दोस्तों YouTube की तरफ से एक बिग न्यूज अपडेट आ गया है कि अब से आपके YouTube के वीडियो पे एड्स नहीं दिखाए जाएंगे और यह जो अपडेट है ना YouTube इसको जल्दी लॉन्च भी करने वाला है। तो क्या है अपडेट और कब से आपके YouTube के वीडियो पे एड्स नहीं दिखाए जाएंगे, इससे आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा, चलिए मैं आपको सब कुछ डिटेल में बताता हूँ ताकि आपको यह अपडेट अच्छे समझ में आ जाए। तो वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। दोस्तों न्यूज निकल के ये आ रही है कि यूट्यूब अब अपने ओवरले एड्स को 6 अप्रैल 2023 से बंद कर देगा, यानी स्टॉप कर देगा। ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए मैं आपको मोबाइल के स्क्रीन पे लेके चलता हूं, आपको बताता हूं कि क्या अपडेट है। ठीक है, तो अगर आपका चैनल मोनेटाइज है तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा और अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तभी इस वीडियो को एंड तक देखेंगे आप तो आपको मैं अच्छे समझाने की कोशिश करूंगा तो आपको अपडेट अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों मेरा चैनल मोनेटाइज है और जब मैं यूट्यूब स्टूडियो से अपने वीडियो में एड्स ऑन करने के लिए जाता हूं तो क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे मोनेटाइजेशन का ऑप्शन मुझे देखने को मिल रहा है, मैं इस पे क्लिक कर लेता हूं। इस पे क्लिक करने के बाद मैं एड्स को ऑन कर देता हूं। जैसे ही ऑन करता हूं तो यहां पे सारे जो भी एड्स हैं सभी एड्स को मैं यहां से ऑन ऑफ कर सकता हूं, यानी सारे एड्स को मैं यहां से ऑन कर सकता हूं। सबसे ऊपर है डिस्प्ले एड्स, ये जो एड्स है YouTube इसको ऑटोमेटिक लगाता है, मैं इसको ऑन ऑफ नहीं कर सकता, लेकिन इसके अलावा जितने भी एड्स हैं मैं इसको अपने वीडियो में ऑन ऑफ कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स यहां पे सबसे ऊपर एक एड्स मेन देखने को मिल रहा है, ओवरले एड्स, स्पॉन्सर कार्ड्स, स्केपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्केपेबल वीडियो एड्स, यहां पे है प्री रोल एड्स, मिड रोल एड्स और पोस्ट रोल एड्स देखने को मिल रहा है। यानी फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो 8 मिनट की है या 10 मिनट के ऊपर है तो आप उस पर प्री रोल एड्स, मिड रोल एड्स, पोस्ट रोल एड्स को भी ऑन कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहां पे अपडेट यह है कि YouTube 6 अप्रैल 2023 से अब यहां पे ओवरले एड्स जो आपको देखने को मिल रहा है इस सर्विस को बंद कर देगा और यह जो एड्स है ना अब आप लोगों की वीडियो पे देखने को नहीं मिलेगा। अब ओवरले एड्स आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूं। दोस्तों देखिए जब भी आप किसी की वीडियो देखते हैं या आपकी वीडियो कोई और देखता है, चाहे मोबाइल पे देखे, लैपटॉप पे देखे, कंप्यूटर पे देखे या स्मार्ट टीवी पे देखे, उसको सभी तरीके के एक तरीके से एड्स देखने को मिलते हैं, स्केपेबल वीडियो एड्स, नॉन स्केपेबल वीडियो एड्स। लेकिन यहां पे जो ओवरले एड्स होता है ना ये आमतौर पे आपको डेस्कटॉप पे यानी लैपटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने को मिलता है। सो फ्रेंड्स ये ओवरले एड्स हुआ एड्स होते हैं जबकि फ्रेंड्स आप किसी की वीडियो YouTube की देख रहे हैं यहां पे कंप्यूटर स्क्रीन पे यानी डेस्कटॉप मोड पे तो वहां पे वीडियो के नीचे ही ये एड्स होता है और उस एड को आप वहां पे कट भी कर सकते हैं यानी बंद भी कर सकते हैं। तो YouTube ने यह नोटिस किया है कि जो भी वीडियो पे डिस्प्ले एड्स शो किए जाते हैं ना तो व्यूअर्स को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, वो लोग बहुत ज्यादा उससे इरिटेट होते हैं, परेशान होते हैं। तो YouTube ने यह डिसीजन लिया कि 6 अप्रैल 2023 से वह ओवरले एड्स को बंद कर देगा। ठीक है, जब इस एड्स को वो बंद कर देगा यानी सर्विस को ही एक तरीके से बंद कर दे और 6 अप्रैल 2023 के बाद हो सकता है आपको ये ओवरले एड्स को ऑन करने का भी ऑप्शन ना मिले तो किसी भी डेस्कटॉप साइट पे यानी लैपटॉप कंप्यूटर की स्क्रीन पे ओवरले एड्स देखने को नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि इससे फायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं व्यूअर्स के नजरिए से तो ये बहुत अच्छा अपडेट है क्योंकि ओवरले एड्स स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलेगा डेस्कटॉप साइट पे। लेकिन फ्रेंड्स यहां पे क्रिएटर्स के नजर से देखा जाए तो एक बुरा अपडेट है, बहुत ही बैड अपडेट है कि फ्रेंड्स ओवरले एड्स जब लैपटॉप की मतलब कंप्यूटर की स्क्रीन पे डेस्कटॉप की स्क्रीन पे नहीं देखने को मिलेगा तो कहीं ना कहीं आपके चैनल की जो अर्निंग है, आपके चैनल की जो कमाई है ना वो गिरती हुई देखने को मिलेगी, यानी आपकी जो कमाई है ना वो डाउन देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जब सारे एड्स हर जगह पे दिखाए जाते हैं, हर डिवाइस पे दिखाए जाते हैं तो आपके चैनल की अर्निंग होती है, लेकिन जब YouTube यहां पे ओवरले एड्स को बंद कर देगा तो कहीं ना कहीं आपके चैनल की जो कमाई है, जो अर्निंग है ना उसमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स देखा जाए तो व्यूअर्स की नजर से अच्छा अपडेट है लेकिन यूट्यूबर्स की नजर से देखा जाए, क्रिएटर्स की नजर से देखा जाए तो एक बैड अपडेट है। इससे फ्रेंड्स आपके यूट्यूब चैनल की जो अर्निंग है ना वो कम आपको देखने को मिल सकती है। तो ये था दोस्तों अपडेट जो कि YouTube लॉन्च करने जा रहा है और 6 अप्रैल 2023 से ओवरले एड्स को YouTube पूरी तरीके से बंद कर देगा और ये आपको डेस्कटॉप साइट पे देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था दोस्तों अपडेट जिसके बारे में मैंने आपको बताया। वीडियो आपको अच्छी लगी है पसंद, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।